हाय गाइस, वेलकम टू एटी ब्रदर्स चरण। आज बहुत दिन बाद मैं वापस आया हूँ और कुछ नया चीज़ लेके आया हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। माई व्यूअर्स एवरीथिंग, जिस जो भी आप लोग हो, मेरे दोस्त लोग, जो मैं आज बनाने वाला हूँ वो है एक पर्टिकुलर आइटम के ऊपर, जो है सूजी, बोलते रवा। तो मैं रवा के ऊपर इस पर बहुत सारा आइटम बनाऊँगा, बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ डिश बनाऊँगा जो आप देखोगे। तो आज मैं उसमें से एक डिश बनाने वाला हूँ, रवा उत्तपा, जो आपका साउथ इंडियन डिश है। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनता है और उसके लिए क्या क्या लगता है। ओके, तो रवा उत्तपा बनाने के लिए हम लोग को चाहिए 3 बड़े प्याज जो फाइन चॉप करके रखे हैं मैंने, 4 से 5 मिर्च, और आपका 2 टमाटर फाइन चॉप, और धनिया कोरिएंडर लीव्स 2 फाइन चॉप करके रखना पड़ता है। ओके, हम ऐसे एक बोल लेंगे जिसमें हम लेंगे, ये हम बना रहे हैं प्राय आपको 10 जन के लिए, 10 इसमें से 10 से 15 बन जाएगा। तो मैं 2 कप मैदा ले रहा हूँ, पहले भर के 2 कप, ये जो है 2 कप मैदा, इसमें आप ये 250 से 300 मैदा आ जा रहा है। मैं 2 कप मैदा ले लिया इसमें। ओके, अभी है मैं गणेश सूजी ले रहा हूँ, जो हम लोग रवा बोलते हैं, ये कंपनी का सूजी बहुत अच्छा रहता है। आप किसी और नहीं कि गणेश सूजी यूज़ कीजिएगा। तो चलिए डालते हैं, ना ये आपका है शायद से 250 ग्राम से 300 ग्राम के अंदर रहेगा ये, ठीक है। मैं पूरा पूरा ही ले लेता हूँ उसको। ऐसे 1.5 चम्मच, 1.5 से 2 चम्मच हम नमक देंगे, स्वाद अनुसार आप नमक डालिएगा, क्योंकि अभी इसमें पानी गिरेगा तो नमक और शायद आपको लग सकता है, पर आप पहले 2 चम्मच डाल के देखिएगा एंड अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिएगा सूजी के साथ, रवा सूजी, फिर आपका मैदा, फिर आपका जो भी नमक है इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। उसके बाद हम देंगे सर पानी, पानी आप ऐसे पहले 1 कप डाल दे दीजिएगा, 1 कप डाल के उसको अच्छे से स्ट्रेन कीजिएगा, पूरा अच्छे से मिक्स कीजिएगा, एकदम बबल्स बबल्स कुछ नहीं आना चाहिए। तो इसमें और भी मैं पानी डाल रहा हूँ, जब जैसे आपको लग रहा है कि पूरा स्मूथ बैटर बन जाता है उस तरह आप पानी डाल दीजिएगा, पर जैसे बबल्स नहीं आना चाहिए इसमें, स्मूथ एक बैटर बनेगा इसमें। ओके, इस तरह का बैटर एक बनेगा, आप देख रहे हैं इसमें मेरे को 3 ग्लास 3 कप, इस तरह का 3 कप मेरे को पानी गिरा है इसमें। अभी आप देख लीजिएगा इस तरह बटर लगा जो है अलग अलग लगता है, क्योंकि ये सूजी है तो पूरा पानी आपको खींच लेगा इसमें। तो दिख रहा है आपको कैसे कितना सॉ ये पतला एकदम गाढ़ा बैटर हुआ है, इस तरह का बैटर हमको चाहिए। इसको हम साइड में रख देते हैं, आप इसको 10 मिनट के बाद अब यूज़ कीजिएगा इसको साइड में। उसके बाद आपको लेना है एक बोल इस तरह का, जिसमें प्याज जो हम लोग काट के रखे थे फाइन चॉप करके रखे थे, मिर्ची, धनिया और टमाटर, ये सब इसमें मिक्स करना है आपको। नमक देंगे हम स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह, इसमें आप काली मिर्च डाल सकते हैं, आपका लाल मिर्च, आप जो भी आपका फ्लेवर जो डालना है पाउडर में, आप चाट मसाला डाल सकते हैं। कम मेरे को इसमें नमक सिर्फ नमक डाल के पसंद आता है, ठीक। तो ऐसे आप बना देंगे। तो हम ये ऐसे एक तवा लेंगे, ये नॉन स्टिक तवा है, तो जिस तवा को अच्छे से हॉट कर गर्म कर लीजिएगा पहले। गर्म होने के बाद उसमें हम देंगे, उसमें हम पहले 1 चम्मच तेल देंगे, तो नॉन स्टिक है तो आपको ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक तरह तेल इस तरह आप पूरा ले लीजिएगा। ठीक है,
फिर इस तरह का एक, इस तरह का एक वही लेके जैसे आपको गोल बाटी अथवा ये कुछ भी एक ऐसा रहेगा जैसे आप उठा सकते हो उसको, इस तरह एक हाथा या फिर बाटी कुछ ऐसे लेके आपको उससे ऐसे मिला के उठाना है। चम्मच से मत करने जाएगा, आपको इसी तरह का एक कुछ लगेगा आपको उसमें। तो इसमें मैं एक पूरा ये जैसे ही हो जाता है फिर उसमें हम देंगे अपना मिक्सचर, इसी तरह दे देंगे। इस तरह से हम उसमें दे देंगे इसको, फिर अभी मीडियम फ्लेम में कर देंगे और थोड़ी देर इसको, जब तक इसमें एक डॉट 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 नहीं आता तब तक हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। ओके, तो हमारा ये थोड़ा नीचे से पक गया, आप देख रहे हैं कैसे लाइन आया हुआ है साइड से, कैसे पक गया है। फिर मैं इसको लूँगा इस तरह से। अब इसको देसी घी बटर अब जो इच्छा आप इससे बना सकते हो, मैं तेल प्रीफर कर रहा हूँ, तेल मेरे को ठीक लग रहा है। जब आपके पास अगर देसी घी भी होगा आप देसी घी डाल दीजिएगा इस पर। आपको अच्छे से प्रेस करके थोड़ा प्याज टमाटर थोड़ा नीचे से सेक जाना चाहिए, अच्छे से सेक जाना चाहिए। ये जो मैंने एक चम्मच ऑयल दिया है ये उसमें ही बन रहा है। और इस टाइम पे आपको फ्लेम को थोड़ा हाई रख दीजिएगा, इससे नीचे का थोड़ा थोड़ा सा आपका स्पॉट ब्लैक स्पॉट आना चाहिए, जिससे आपको क्रंचीनेस और अच्छा सा फ्लेवर आना आएगा इन्हें होगा। इस तरह आपको प्रेस करना है। तो हम इसको थोड़ा पलटाएंगे वापस, ये देखिए किस तरह से पूरा जो धनिया टमाटर आपने जो लोग ने जो लगाया है वो पूरा अंदर इन्हें हो गया है। अब थोड़ा बस इसको थोड़ा पकाना है, थोड़ा हाई फ्लेम करके इसको अच्छे से हम सेकेंगे इसको। आपका पूरा धनिया देखिए, अब देखिए कैसे ब्लैक स्पॉट आया, ये आपका जो खाने में जो टेस्टी लगेगा ना, अब मैं क्या बताऊँ आपको। आप जब बनाइए घर पे बनाइए इसको, टेस्ट कीजिए और मेरे को कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा ये वाला, ये जो रेसिपी मैंने दे रहा हूँ आपको, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको और टेस्ट कैसा है। और ऑब्वियसली मेरा फेसबुक पेज है एडी वेल्स करके, उसके अंदर आपको इसको छोड़ दीजिएगा, पिक्चर्स क्लिक करके दे दीजिएगा तो मैं देख पाऊँ कि मेरा व्यूवर्स कैसे बना रहे हैं सब। तो बस ये हो चुका है, इसको पूरे पूरे सेकने में आपको 2 से 3 से 4 मिनट लगा। बस हम इसको ब्लेंडिंग में निकाल लेंगे, गैस करेंगे स्लो। तो ये है हमारा उत्तपम। अब इसको बनाइए घर पे, टेस्ट कीजिए इसको धनिया की चटनी के साथ, आपका दही के साथ बहुत अच्छा जाता है। आप अचार के साथ खा सकते हैं इसको, चाय के टाइम सुबह शाम को जब इच्छा आप खा सकते हैं उसको। और आप फिर मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमको हेल्प कीजिएगा, इतना मेहनत सफल कीजिएगा, इतना जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो मेहनत को मैं सफल